सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज जो है बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर एनुअल एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं 2023 के। तो मैं इनको गाइड करता चलूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा कि मेरे फ्यूचर में आगे आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन दे। सो एनुअल एग्जामिनेशन 2023 एक बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट किया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई सर पेपर जो हो रहे हैं वो अप्रैल में हो रहे हैं, और कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि सर पेपर्स पहले हो रहे हैं। तो मैं उनको एक कंफर्म बात बता देता हूँ कि अप्रैल के अंदर अभी कोई पेपर्स नहीं हो रहे हैं। एज पर द स्टीयरिंग कमेटी, जो कि स्टीयरिंग कमेटी 1 मंथ बिफोर बैठी गई थी और उन्होंने यही डिसाइड किया है। डिसाइड क्या किया गया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिसाइड ये किया गया हुआ है कि जो आपके 9 और मैट्रिक के जो एग्जामिनेशन होंगे वो 8 मई से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 8 मई 2023 से स्टार्ट होंगे। और HSC के जो एग्जामिनेशन हैं आपके वो आपके 22 मई 2023 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये दो डेट्स हैं जो कि अनाउंस हुई हैं अभी तक, सही है। अभी तक कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है इन डेट्स में। अगर इन फ्यूचर चेंज हुआ तो मैं नीचे कमेंट कर दूंगा कि डेट्स चेंज हो चुकी हैं, अभी तक कोई ऐसी चेंजिंग यहाँ पर नहीं। सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मैं इसके रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है कि मार्किंग किस तरीके से आपकी है कि इस साल के रिलेटेड 2023 की। बट इन अ शॉर्ट सम अप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस साल जो अपने एग्जाम्स की तैयारी करोगे, जो कि 2023 की जो रेगुलर एग्जाम जो आप स्टार्ट करोगे तैयारी करना, आप तैयारी कर भी रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनके जो बेसिकली मार्किंग है वो 20% MCQs और 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड 40% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के तहत आपका पेपर आएगा, ठीक है। ये किस तरीके का मतलब पेपर पैटर्न है वो मैं आपको एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे आपने तैयारी करनी है, क्या करनी है। बट अभी सिर्फ सिर्फ मैं पेपर पैटर्न के रिलेटेड अगर गाइड कर दूं तो पेपर पैटर्न जैसे आपका पिछले साल जिन बच्चों ने अपने पेपर्स दिए उनका पेपर पैटर्न था कि भाई आपका 40% MCQs आ रहा था, ठीक है, और आपका जो है 40% जो था वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था एंड 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। मगर अब पेपर पैटर्न जो आपका पुराना जो कोविड से पहले जब आप पेपर्स दे रहे थे, ठीक है, उस टाइप वाला पेपर पैटर्न अब आपका हो चुका है जिसमें अब आपके 20% MCQs हो गए हैं और 40% आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की क्वांटिटीज वो इंक्रीज हो चुकी है जो कि 40% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कि एनुअल एग्जामिनेशन कब होंगे, ठीक है। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करें, तो कमेंट के ऑप्शन है वहाँ पर। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। बट अभी के लिए जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो यही है कि आपका SSC के जो एग्जामिनेशन है वो 8 मई को स्टार्ट होंगे और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन है वो 22 मई से स्टार्ट होंगे, ऑल द ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियोस के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।